हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट लेक्चर हमारा था हाफ वेव रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर क्या होता है बेटा? रेक्टिफायर हमने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को डीसी पोटेंशियल में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस होती है रेक्टिफायर, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन या हिंदी में कहते हैं दृष्टिकरण। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आज जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं ये सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का है। अब रेक्टिफायर समझने से पहले, फुल वेव रेक्टिफायर समझने से पहले, आपको इतना तो मालूम है कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है और रिवर्स बायस में क्या होता है, इतना ध्यान रख के अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था बेटा, कि जब हम इनपुट पर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाई करते थे तो फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड वर्क करता था और सेकेंड हाफ साइकिल में नहीं करता था, यानी उसमें एक हाफ यूज होता है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का। बट फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर दोनों वेव इसके जो हैं हाफ वेव है ना, ये दोनों ही यूज होते हैं। कैसे, इसको देखते हैं। तो बेटा यहाँ हमने एक ट्रांसफॉर्मर लिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ हमने इनपुट दे दिया है जो कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, और हमने ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी कॉइल लिया। ये जो सेकेंडरी कॉइल L2 है, इसके जो दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं A एंड B, दोनों को डायोड D1 और डायोड D2 के P टर्मिनल से हमने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, और दोनों डायोड के जो N टर्मिनल्स हैं इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो टर्मिनल मिला M, इनके कनेक्ट करने के बाद उसको हमने L2 का सेंटर लिया है, इसको हम C कह सकते हैं। इस सेंटर के साथ हमने बीच में M और N के बीच में हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और फिर हम इसी लोड रेजिस्टेंस को लगाकर इसके सिरों के या इसके टर्मिनल्स के जो एंड पॉइंट है इनके बीच में हम आउटपुट डीसी पोटेंशियल जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वर्किंग कैसी है बेटा, तो अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। जब हम इनपुट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल देते हैं तो ये जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो इसका जब हाफ साइकिल आता है ना, ये हाफ साइकिल जब आता है ट्रांसफॉर्मर की कॉइल L2 पर है ना, तो इसका जो ये वाला A टर्मिनल है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाता है और B टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाता है। इस समय डायोड D1 जो होता है ना, इसका P टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ गया और डायोड D2 का P टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर आ गया। तो अब क्योंकि यहाँ पर P पॉजिटिव के साथ जुड़ा, मतलब डायोड D1 पर बायसिंग कौन सी आ गई, फॉरवर्ड बायसिंग आ गई है ना, तो और ये वाला क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग पे आ गया D2। तो डायोड D1 क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग पर है, तो आप जानते हो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी, और यहाँ पर रिवर्स बायसिंग होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब डायोड ये वाला इनपुट जो हमारा है अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसका फर्स्ट हाफ साइकिल आया तो D1 जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से कंडक्ट कर रहा है और करंट फ्लो हो रही है, और D2 जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। और जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा है ना, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल आने पर, यानी कि ये नीचे वाला हाफ साइकिल जब आएगा, तो यहाँ पर पोलैरिटी बदल जाएगी, ये जो A है ये माइनस पे आ जाएगा और B टर्मिनल जो है वो प्लस पे आ जाएगा, जिसकी वजह से डायोड D1 का P टर्मिनल यहाँ पर नेगेटिव होने की वजह से D1 रिवर्स बायसिंग पे आ जाएगा और यहाँ पर प्लस होने की वजह से D2 जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से अब क्या होगा, डायोड D1 से होकर करंट फ्लो नहीं होगी, डायोड D1 से होकर करंट फ्लो नहीं होगी और डायोड D2 से होकर करंट फ्लो होने लगेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमने इनपुट सिग्नल दिया तो इस इनपुट सिग्नल के पूरे एक कंप्लीट साइकिल में लोड रेजिस्टेंस RL जो हमने लगाया है, इसके जो आउटपुट इसके बीच में है ना, इसके बीच में आउटपुट पोटेंशियल को कैसी डायरेक्शन मिल रही है, सिर्फ एक, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ एक डायरेक्शन मिल रही है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन M से N की तरफ होती है, धारा जो है वो हमेशा या करंट M से N की तरफ ही बह रही है। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट जो है समय के साथ में, टाइम के साथ में वेरी कर रही है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ में वेरी करती हुई नजर आ रही है, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस RL है, इसमें हमको यूनिडायरेक्शनल AC मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल AC, ठीक है। तो ये जो हमारी आउटपुट करंट है जो हमको मिल रही है यहाँ पर, इसमें हम एक फिल्टर सर्किट, यहाँ पर अगर एक फिल्टर सर्किट यूज कर ले तो ये जो यूनिडायरेक्शनल AC जिसको हम कह रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट DC में बदल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फिगर आपने यहाँ पर देखे हैं सारे, ये क्या है, ये हमने एक इनपुट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के लिए बनाया है। दोनों डायोड से मिलने वाला जो है हमको आउटपुट पोटेंशियल है, D1 से और D2 से मिलने वाला, और हमको लास्ट में जो आउटपुट इन टर्मिनल्स पर मिलेगा M और N के बीच में क्रॉस में, हमने ये इसको यहाँ पर टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, ये हमने शो किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, और इसमें क्या क्या हम देखते हैं और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है। तो बेटा आपने पिछले डायग्राम जो अभी हमने देखा है फुल वेव रेक्टिफायर का, उसमें जो डायोड लगाए हुए हैं, अगर हम मान ले कि दोनों डायोड जो थे उनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल r से, ठीक है, और जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वो कितना है, वो पोटेंशियल E=E0 sin ωt है, ठीक है, ये हमने अप्लाई किया हुआ दोनों डायोड पर वन बाय वन जो आ रहा है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि निगलेक्ट कर दें अगर हम सेकेंडरी कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, किसका सेकेंडरी, ट्रांसफॉर्मर जो हमने ऑब्वियसली यूज किया है उसकी सेकेंडरी कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, तब लोड में से जो करंट, जो आउटपुट में लोड लगाया था ना, वहां पर जो हमको करंट मिलेगी उनके वर्क करने पर वो कितनी कितनी मिलेगी, अब हम ये देख रहे हैं। तो पहला हमने लिखा I1 = E/R + RL, मतलब करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, है ना, ये क्या हो गया लोड रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया उस डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो E की वैल्यू यहाँ से हमने पुट अप कर दी, और ये जो कांस्टेंट है E0/R + RL, इसको हमने रिप्रेजेंट किया I0 से। तो ये डायोड D1 में से फ्लो होने वाली करंट हमको मिल रही है, कब मिल रही है, कहाँ पर मिल रही है, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 और π के बीच में होगी, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद डायोड D1 में से ही करंट हमको नहीं मिलेगी, कब, जब पाई और 2π के बीच में होगी ओमेगा टी की वैल्यू, ठीक है। इसको आप यहाँ पर फिर से देख के समझ सकते हो, ये जब 0 और π के बीच में है तो हमको करंट मिल रही है, और अगर पाई और 2π के बीच में है तो करंट नहीं मिलेगी। सिमिलरली हम ऐसा ही इक्वेशन डायोड D2 के लिए भी बताने वाले हैं, ठीक है। ये जैसे डायोड D2 में से फर्स्ट टाइम पे करंट हमको नहीं मिल रही थी, कब, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 और π के बीच में, क्यों, क्योंकि उस समय ये डायोड D2 कहाँ पे था, रिवर्स बायस में था, और ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में था, और जब ये कंडीशन आई है उस समय अल्टरनेटिंग पोटेंशियल जो अप्लाई कि उसका नीचे वाला साइकिल जो है हाफ साइकिल वो वर्क कर रहा था, तो उस समय डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायसिंग में आ गया और डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, इसलिए इस कंडीशन में डायोड D2 वर्क करेगा, कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो होगी, और उस करंट की वैल्यू कितनी हो गई, I2 = E/R + RL, ऑब्वियसली हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो था यहाँ पर साथ में, क्योंकि ये पाई आगे है इसलिए हमने साथ में पाई भी इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो This is equals to -I0 sin ωt, क्लियर हो गया। तो अब हम ये चीजें लिखने के बाद में अब हमारे पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे, और वो पॉइंट्स हम पहले सबसे पहले देख रहे हैं एवरेज करंट, हम कह रहे हैं एवरेज कौन सी, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, जो लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों पर मिल रही है ना, या DC वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट क्या है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I average या फिर IDC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो करंट हमको मिल रही है इसको हमने 0 से 2π की रेंज में लेके इंटीग्रेट कर दिया। अब ये जो 0 से 2π की रेंज है इसको हम 0 to π और π to 2π कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ये इंटीग्रेशन के बाद में हमको इसकी वैल्यू 1 ये 2π मिलेगी, डिनोमिनेटर है इसलिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है।
तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं आगे तो हमको ये मिलेगा 0 टू पाई आई 0 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और साथ में सेकंड टर्म जो हमको ये मिल रही है आफ्टर इंटीग्रेशन हमको इसकी वैल्यू साइन ओमेगा टी, क्या आप जानते हो माइनस कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पर भी हमको ये मिलेगा। आई 0 जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए ये हमने कॉमन ले लिया है, इसकी वैल्यू विथ माइनस साइन हमको ये मिली है, ये माइनस प्लस हो जाएंगे। आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दोगे तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों इक्वेशन में लगाने पर, इनको सॉल्व करने पर इनकी वैल्यू ये मिलेगी, उसको आप सॉल्व कर लोगे, और आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमको आईडीसी जो है यानी एवरेज करंट जो है ना डीसी वैल्यू हम कह सकते हैं किसके इक्वल मिल रही है, 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये हमने एक पैरामीटर इसका निकाल लिया है, एवरेज करंट कितनी होती है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमको आउटपुट डीसी पावर कितनी मिल रही है, ठीक है, डीसी पावर। तो अब पावर किसके इक्वल होती है, पावर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस, ये वैल्यू जो हमने निकाली है पीछे ये हमने पुट अप कर दिया मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हमको डीसी पावर कितनी मिल गई, 4I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इनटू RL, ठीक है। नेक्स्ट जो हम निकालने जा रहे हैं पैरामीटर, ये हम निकालेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान, या हम कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर यानी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। अब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट आपको मालूम है निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, जो हमने एवरेज करंट निकाली है उसका स्क्वायर कर दें, तरीका वही रहेगा, हम यहाँ पर बस सिर्फ स्क्वायर, जैसे हमने एवरेज करंट निकाली थी इसी तरीके से हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। इसको हमने रेंज जो 0 to 2 पाई है, 0 to पाई और पाई टू 2 पाई दो में हमने इसको अलग अलग करके लिख लेना है, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो आई स्क्वायर डी ओमेगा टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, आपको ये मिलेगा। इसकी वैल्यू पुटअप की है, फिलहाल हमने यहाँ पर आई की वैल्यू पुटअप करने के बाद में जब हमने इंटीग्रेशन किया है, तो आई 0 क्योंकि कांस्टेंट है स्क्वायर के साथ में ये कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को दोनों साइड से आपने इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट टर्म है, कॉमन आ गया, ये 4 पाई स्क्वायर हो गया। अब आपने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया है यहाँ पर आने के बाद में, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू आपको ओमेगा टी 1 के लिए, कॉस 2 ओमेगा टी इसका इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 आएगा। सिमिलरली हम सेकेंड टर्म को भी इंटीग्रेट कर लेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन जो लिमिट है ये 0 to पाई लिखा है, और यहाँ पर इसको जो हमने लिमिट जो यहाँ पर थी ना पाई टू 2 पाई, ये पाई लिखा है और ये 2 पाई लिखा हुआ है। अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों के ऊपर, तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो टर्म्स बचेंगे वो ये हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास आई 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये कैंसिलेशन करेंगे, और रिमेनिंग टर्म जो आई है आई 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और या फिर अगर हम स्क्वायर हटाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ठीक है, किसका, 2 का, ठीक है, रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला टॉपिक हमारा इसका जो पैरामीटर है वो कौन सा है, पैरामीटर उसको देखेंगे। तो ये आएगा इनपुट एसी पावर। इनपुट एसी पावर क्या है, तो ट्रांसफार्मर द्वारा सर्किट में इनपुट अल्टरनेटिंग पावर जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एसी से, पावर एसी है ना, तो ये किसके इक्वल है, आई आर एम एस स्क्वायर जो अभी अभी हमने निकाला उसका स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल यानी रेजिस्टेंस जो है ये हमने लेना है बेटा, और कुछ नहीं, इसकी आपने वैल्यू पुट अप कर देनी है। तो ये आपको आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आपको पावर जो है एसी पावर इनपुट वो मिल जाएगा। तो ये सब निकालने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं जो कि है एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी दक्षता कितनी है फुल वेव रेक्टिफायर की। तो आप जानते हैं दक्षता के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, आउटपुट डीसी पावर और इनपुट, हमने इनपुट दिया कितना और आउटपुट मिला कितना, इनपुट में क्या दिया था एसी दिया था, आउटपुट में क्या मिल रहा है डीसी मिल रहा है, तो दोनों का रेशो, ठीक है, मतलब पीडीसी और पीएसी, तो दोनों की वैल्यू जो हमने लास्ट पेज में निकाला हुआ है वो वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे,
उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल ये हमको मिलेगा ईटा की वैल्यू जो है 0.812 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर ए। ठीक है, तो इसको आप परसेंटेज के फॉर्म में लिख लोगे तो ये जो मिलेगा आपको ये लिखा हुआ 81.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये स्मॉल आर लिखा है डिवाइडेड बाय आर एल यानी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आर है ये क्या था, डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस था और ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो अगर इसका रेशो जो है ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमको जो मैक्सिमम एफिशिएंसी, इस केस में हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी जो किसके बराबर है 81.2% के बराबर है। और ये जीरो कब होगा, जब R की वैल्यू यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है लोड रेजिस्टेंस से बहुत ही कम होगा, ये वेरी स्मॉल फ्रॉम RL होना चाहिए स्मॉल R को, तब ये वैल्यू इसकी जो रेशियो है जीरो की तरफ बढ़ेगी और उस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलेगी। ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो जो है तो ग्रेटर इज द एफिशिएंसी। ठीक है, जितना ये कम से कम होगा उतनी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इस पर आ रहे हैं, तो ये टॉपिक क्या है, इसका पैरामीटर पीक इनवर्स वोल्टेज, हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रतीप शिखर वोल्टता। ये होती क्या है, तो ये जो वोल्टेज है ना ये पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज अक्रॉस अ डायोड, कब, व्हेन इट इज अ रिवर्स बायस, जब हमने डायोड D1 लिया है या डायोड D2 लिया है, दोनों तो 1/1 रिवर्स बायस पे आ ही रहे हैं ना, तो जब जो डायोड रिवर्स बायस पे होगा उस समय मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज जो होगी उस डायोड के अक्रॉस उसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, अब वो रिवर्स बायस पे है इसका मतलब वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो वो एक कंडीशन और हो गई कि डायोड जब कंडक्ट नहीं कर रहा होता है उस समय जो मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज होती है रिवर्स वोल्टेज उसको हम कहते हैं वो होती है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है तो डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा, तो अगर डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है तो उस समय लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस जो हमको वोल्टेज मिलेगी वो कितनी होगी, E0। और क्योंकि डायोड D2 कंडक्ट नहीं कर रहा है उस समय वहां पर क्या होगा, -E0, तो फिर रिवर्स वोल्टेज D2 के अक्रॉस कितनी हो गई, जितनी लोड रेजिस्टेंस पर है ये लिखा है वोल्टेज अक्रॉस RL लिखा है ये। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस RL उसमें से हमने माइनस कर दिया वोल्टेज अक्रॉस D2, दिस इज D2। ठीक है, तो D2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, -E0, RL के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, E0, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2E0। तो इस समय ये रिवर्स वोल्टेज है अक्रॉस डायोड D2 यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज D2 के लिए। ऐसा ही हम पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड D1 के लिए निकाल लेते हैं जब D1 कंडक्ट नहीं कर रहा होता है और D2 कंडक्ट कर रहा होता है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन या हिंदी में हम इसको कहते हैं वोल्टेज नियमन। अब ये क्या है, तो इसका फॉर्मूला है बेटा ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हमने EDC निकाला था है ना, तो EDC यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ लोड कितना है पोटेंशियल, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लोड कितना है। ठीक है, समझ गए, लोड की उपस्थिति में यहाँ पर है, लोड की अनुपस्थिति में और लोड की उपस्थिति, अनुपस्थिति उपस्थिति डिवाइडेड बाय EDC इन द प्रेजेंस ऑफ लोड। तो अब EDC क्या था, विभव क्या था है ना, DC विभव या DC जो पोटेंशियल है वो कितना था, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम DC की बात कर रहे हैं तो करंट भी DC होगी, रेजिस्टेंस तो लोड रेजिस्टेंस है आउटपुट पर हमने जो लगाया हुआ है, तो EDC इज इक्वल्स टू IDC इनटू RL हम जानते हैं, तो ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर देनी है। जब ये वैल्यू आप पुटअप करोगे यहाँ से आपने क्या किया है, RL से डिवाइड कर दिया, आपको यहाँ पर ये इक्वेशन मिल जाएगा और इसको आगे सॉल्व करोगे 2E0 डिवाइडेड बाय पाई, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, 1 माइनस ये रिवर्स हो गया, ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2E0 का डिवाइडेड बाय पाई का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर और इस टर्म में, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, अब यहाँ ध्यान देंगे आप 2E0 डिवाइडेड बाय पाई RL ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू IDC। ठीक है, कब, जबकि R बहुत
स्मॉलर है RL से, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, EDC is equals to 2E0 by pi minus IDC into R. कोई डाउट तो नहीं? तो ये सब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे हमने किसको निकाला हुआ है. तो ये तो हो गया. अब हमने क्या निकालना है कि इन द एब्सेंस ऑफ लोड कितनी वैल्यू हमको मिल रही है. तो एब्सेंस ऑफ लोड यानी कि लोड रेजिस्टेंस किस तरफ बढ़ रहा है, इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है. अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है, मतलब करंट की वैल्यू किस तरफ आ रही है, जीरो की तरफ आ रही है. इसका मतलब ईडीसी किसके इक्वल हो गया भाई, ये ईडीसी क्या हो गया, जीरो हो गया ना. तो यहाँ पर ईडीसी मतलब आईडीसी जीरो हो गया, तो ईडीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 2E0 बाय पाई, ये बची हमारे पास. तो हमारे पास दो वैल्यू है, ये कौन सी है, प्रेजेंस के समय पर ईडीसी कितना है, ठीक है, लोड अगर उपस्थित है तो ईडीसी कितना है, और ये लोड अगर अनुपस्थित है तो ईडीसी कितना है. तो ये सारी वैल्यूज उठा के हमने इस इक्वेशन में पुटअप कर देनी है, और फिर हमने इसको सॉल्व करना है. जो कैंसिल आउट हो रही हैं चीजें उसको आप कैंसिल कर दोगे, आपको वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिलेगी आईडीसी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2E0 बाई पाई माइनस आईडीसी इंटू आर. क्लियर है? अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पर अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो. और लास्ट में हम क्या निकालने जा रहे हैं, लास्ट में हम निकालेंगे रिपल फैक्टर. इसको हिंदी में हम कहते हैं उर्मी का घटक. ये क्या है, उर्मी का घटक या रिपल फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से. ये क्या है, निर्गत धारा या वोल्टेज का RMS मान, RMS वैल्यू और कंपोनेंट फॉर आउटपुट करंट और वोल्टेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम ये लेते हैं डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट और वोल्टेज, यानी कि निर्गत धारा या वोल्टेज का डीसी मान हम ले लेते हैं, डीसी वैल्यू और यहाँ पर हम आरएमएस वैल्यू, इनका रेशो लेते हैं. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, आईएसी और आईआरएमएस डैश ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये क्या लिया है, आपको मालूम है निर्गत धारा का आरएमएस मान है जिसको हम इससे लिख रहे हैं. तो बस हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करके, अच्छा अब हमको क्योंकि ये वैल्यू इनकी चाहिए पड़ेगी तो हमको ये भी बताना कि आईआरएमएस क्या है, दिस इज द एसी इनपुट. तो एसी इनपुट है तो आईआरएमएस का स्क्वायर किया तो विच इज इक्वल्स टू आईआरएमएस डैश स्क्वायर प्लस आईडीसी स्क्वायर. क्योंकि हमको डैश नहीं पता है ना, अभी हमने पीछे कहाँ पढ़ा, तो डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, आईआरएमएस डैश क्या है. तो IRMS डैश जो है ये किसके इक्वल हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है. तो यहाँ पर IRMS डैश जो कि ये है, ये आ गया गामा इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. और हमने फिर क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यूज हमने रख देनी है, यहाँ पर IRMS डैश की उठाई यहाँ से वैल्यू, यहाँ पुटअप कर दी, सॉल्व कर लिया. अब हमारे पास पीछे हम ये सब निकाल चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट निकाल चुके हैं, डीसी करंट निकाल चुके हैं, उनके उठाए वहां से वैल्यूज, और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे और इसको सॉल्व करोगे. आपको गामा की वैल्यू यानी रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी मिली है, 0.482, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा कहें कि किसी भी फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी के कंपैरिजन में डबल होती है, वहां जो हमने निकाला था उसमें यहाँ पर ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है. कैसे, इसलिए क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको जो रिपल फैक्टर मिले थे वो 1.21 के आसपास मिले थे, जो कि घटकर यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में डिक्रीज होकर कितने रह गए हैं, 0.482. रिपल फैक्टर घट गए यानी कि एफिशिएंसी क्या हुई, यहाँ पर बढ़ गई. क्लियर है? तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखोगे कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें जो आउटपुट एसी की फ्रिक्वेंसी होती है उसकी जो इनपुट एसी फ्रिक्वेंसी दी थी उसकी डबल होती है. क्लियर है? तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है बेटा. अगर आपको कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आया, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.